आपने मुझे सड़क परिवहन और राज्य मार्ग पे बोलने का मौका दिया। सर मैं कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं को आपके माध्यम से मंत्री जी को सरकार को बताना चाहता हूं। सर बहुत इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे हाईवे जो दिल्ली से लखनऊ जाता है, मंत्री जी मेरे ख्याल से 25 साल होगा इसे बनते हुए, आज तक ये कंप्लीट नहीं हुआ और इतना इम्पोर्टेंट हाईवे है, आज भी 6-7 जगहों के ऊपर इसमें कार्य नहीं हो पा रहा, बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती हैं। मेरठ तक तो एक्सप्रेसवे बन गया है, मेरठ के आगे बहुत समस्याएं हैं और एक समस्या मंत्री जी खास तौर से कटरा के ऊपर है, जहां पर शाहजहांपुर से पहले ओवरब्रिज नहीं बन पाया है और वहां पर तकरीबन 1-1 घंटे 2-2 घंटे के जाम लगा करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्रायोरिटी पे देखते हुए इस इम्पोर्टेंट हाईवे को जल्द से जल्द बनाने की कृपा करें। मेरा दूसरा हाईवे जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं, मंत्री जी एक रोड मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बड़ापुर एक इलाका है, बड़ा कस्बा है, इसके बीच में से एक रोड जाती है और ये रोड आगे कोटद्वार से ये बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम को जाती है। आपको ये जान के हैरत होगी कि ये बीच में जो रोड जा रही है ये कुछ जगहों के ऊपर 9.5 फीट या 10 फीट की है केवल, अगर 2 गाड़ियां आमने सामने आ जाएं तो जाम लग जाते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस बड़ापुर बस्ती का बाईपास बनना बहुत आवश्यक है ताकि सारे श्रद्धालु, ये रास्ता भी शॉर्ट है बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का, ताकि सारे श्रद्धालु बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे और काम पूरा करें। मंत्री जी एक हाईवे जाता है मुरादाबाद से काशीपुर होता हुआ और आगे गढ़वाल तक, इस हाईवे के ऊपर विश्व प्रसिद्ध एक उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसमें तमाम दुनिया से लोग पर्यटक आते हैं। मुरादाबाद से लेके काशीपुर तक रोड इतनी खराब हो गई है कि अगर उसमें आप 20 से या 30 किलोमीटर की रफ्तार से ज्यादा नहीं चल सकते, बाहर के पर्यटक क्या इंप्रेशन लेके जाएंगे। आपने ये सैंक्शन कर दिया है, 4 लेन करने की बात करी है, बीच में एक बहुत संकरा पुल पड़ता है जिसपे एक तरफ से ही ट्रैफिक पास होता है और वहां पर भी बहुत लंबे जाम लग जाते हैं। आपने पास किया है 4 लेन, लेकिन न जाने कुछ वजहों से वो आगे काम हो नहीं पा रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्रायोरिटी पे लेते हुए इस काम को करा दिया जाए ताकि जो फॉरेन पर्यटक आते हैं वो आसानी से कॉर्बेट नेशनल पार्क भी जा सके और आगे रानीखेत वगैरह भी वो जाकर घूम सके। बहुत इम्पोर्टेंट हाईवे है, अब बहुत बुरी हालात के अंदर है। मेरी ये 3 डिमांड्स हैं आपके लिए, मैं समझता हूं कि आप इसको प्रायोरिटी पे लेते हुए जल्द से जल्द समाधान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।